प्लीज थोड़ा सा जायकेदार आपके चेहरों पर हंसी आ जाए। ये बात और क्या। आपने एक नई नई धुन गीत में ली है या जैसी भी हो, मैंने सुनी नहीं थी, फिर भी मैंने प्रयास किया। एक गीत आजकल खूब बज रहा है, बहुत बड़े बहुत। गीत कह रहा है क्या के दूर हटाओ रेडी शेडी, बहुत हो गया कोला कोंडी, अब करेंगे मर्दों वाली बात। लाइन ध्यान से सुनेगा के दूर हटाओ रेडी शेडी, बहुत हो गया कोला कैंडी, अब करेंगे मर्दों वाली बात। और साथ में लेके सेक्सी पियर, खूब पिएंगे सेक्सी बियर, पार्टी चलेगी सारी रात। लौंडिया नचनिया नचनिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे रवि को कितना मजा आ रहा है। आज छूट है इसको। नचनिया 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 लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे धुनों का सहारा लेना पड़ता है। और क्या जगह डीजे। क्योंकि इतने बड़े कलाकार तो है नहीं हम लोग, तो हम लोग फिल्मी या एल्बम के गीतों का सहारा लेते हैं। ये तो धुन कह रही है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बंबई और फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं सुनिए। क्या एक बार तमाम सारे ऋषि मुनि बैठे हैं, आपस में बातें करने लगे। एक ऋषि महोदय बोले, कहने लगे देखो भगवान राम की जिंदगी कितनी अच्छी है, तपधारी भी हैं, अस्त्रधारी भी हैं, शस्त्रधारी भी हैं, लोग इनकी पूजा करते हैं, लेकिन इनके पास पत्नी भी है, नारी भी है। अरे हम लोगों का जीवन ऐसे ही जा रहा है, हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जो हम अपना दुख सुख किसी से बता सकें। तो उन ऋषियों ने कहा कि ऐसा करो, हमने सुना है कि भगवान श्री राम अगर पत्थर की शिला में भी चरण छुआ दें तो वो नारी बन जाती है, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम लोग भी एक एक शिला लेकर आगे बढ़ें और भगवान से प्रार्थना करें, भगवान अपने अपने पैर छुआते जाएंगे, एक एक नारी मिलती जाएगी, हम लोग लेके अपना काम धाम करेंगे, वाह बेटे वाह, बढ़िया मजे से जिंदगी गुजरेगी। तो देखिए कहने लगे ऋषिवर क्या के विनती करते हैं तब धारी, माया कर दो लीलाधारी, बस हमारी कर दो पूरी बात। आदरणीय बाबूजी हमारे राम कुमार बाबूजी, आप लखनऊ से आए हैं, क्या बात है? आपकी ओर से 51 मुद्राएं भेंट हो रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। 450 हम बाबूजी ईमानदारी से वापस कर देंगे, कट पीस हो जाने दीजिए। बैठ जाइए। देखिए वो ऋषि कहने लगे भगवान श्री राम के सामने कि हे प्रभु, विनती करते हैं तब धारी, माया कर दो लीलाधारी, बस हमारी कर दो पूरी बात, और हम सबको मिल जाए नारी, शिला सब लाए बारी बारी, पग छुआ के कर दो करामा। के हम सबको मिल जाए नारी, शिला सब लाए बारी बारी, पग छुआ के कर दो करामात। और सब कहने लगे क्या के मेहरिया मेहरिया मेहरिया, हम सब जो पाएंगे तो सुख से जीवन बिताए। भगवान विचार करने लगे कि
अगर इनको एक एक मेहरिया दे देंगे तो ये उसी में व्यस्त हो जाएंगे, भक्ति किनारे चली जाएगी और ये मामला गड़बड़ हो जाएगा और सृष्टि को सीख देने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अचानक भगवान तेज तेज रोने लगे और रोने लगे तो एक ऋषि कहने लगे कि अरे भगवान रो रहे हैं, इनके पास सुख के साधन है, सीता जी बगल में बैठी है, अब काहे रो रहे हैं? कहा प्रभु काहे रो रहे हो? तो दूसरे बोले लगता है मेहरिया पाने से रोना भी पड़ता है, नारी सारी समस्याओं की जड़ है और अगर ये मेहरिया मिल जाएगी तो ऐसे ही हमको भी रोना पड़ेगा। तो बस सबने विचार किया कि अब मेहरिया 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 हम नहीं पाएंगे, शिला सब जल में डुबाएंगे, लेकिन आजकल जब चुनाव खत्म हो गया हम सोच रहे कि वो भी कटपीस बोल दे, और क्या? बोल दे अच्छा चलो। अब चूंकि उधर मेहरिया और देहरिया की बात चल रही है, ऋषि मेहरिया देहरिया मांग रहे हैं, लेकिन मेरी पंक्ति जब ये चुनाव हुआ तो मेरी पंक्ति कह रही है कि आखिर मोदी जी को सरताज क्यों कहते हैं लोग? क्योंकि लोग कह रहे हैं जब वो आप लोग देख रहे हैं कि ये रूस और यूक्रेन कैसे आपस में लड़ रहा है, इनको इतनी भी समझ नहीं है कि मरकर भगवान के घर ही सबको जाना है, उसके पहले सब तहस नहस किए दे रहे हैं। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया कि उन्होंने कहा कि जिसके पास तिरंगा होगा उसको कोई माई का लाल हाथ नहीं लगा सकता, और नहीं लगाया। सम्मान रूस की सेना ने हमारे भारतीयों को यहाँ तक पहुँचाया। और ये काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्या, ना तो होगी कानापूसी, चाहे यूक्रेन चाहे रूसी, ना करेंगे हम किसी पे वार। मोदी जी कह रहे हैं कि ना तो होगी कानापूसी, चाहे यूक्रेन चाहे रूसी, ना करेंगे हम किसी पे वार। और ना तो भारत देश वैसा, ना बिल्कुल है पहले जैसा, मोदी जैसा इसका चौकीदार। क्या बात है बेटे, कि ना तो भारत देश है वैसा, ना बिल्कुल है पहले जैसा, मोदी जैसा इसका चौकीदार। तो मोदी जी ने कहा के बच्चे के बच्चे के बच्चे यूक्रेन से आएंगे, के बच्चे यूक्रेन से आएंगे, शान भारत की दिखाएंगे, आते रहे, सब परेशान रहे, तो आखिर सरकार फिर बन गई योगी जी की, तो लिखना पड़ा बाबा जी की। बाबा बाबा बुलडोजर चलाएंगे, अब फिर से बाबा बुलडोजर चलाएंगे के भगवान हम लहराए, मैया की जय। मेरी तरफ से प्रयास था कि आपको आनंद बरसता रहे, कार्यक्रम चलता रहे, और क्या, चेहरों पर हंसी आती रहे, गुदगुदाते रहे आप। और अभी जाए नहीं, असली जवाबी तो अब शुरू हो रही है, और क्या जवाबी, युद्ध तो अब शुरू हो रहा है, तब आप जा रहे हैं। ये 101 मुद्राएं हैं। अच्छा आ रहे अच्छा, आज की जवाबी कीर्तन का जो प्रोग्राम है ये आप इस चैनल पर देख सकते हैं, दयाल स्टूडियो, भैया हमारे वीडियोग्राफी कर रहे हैं, और ये कार्यक्रम देश विदेश तक देखा जाएगा, और क्या, भैया जेपी मंचला जी का ये स्टूडियो है। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छे कमेंट करें और बढ़िया तरह से सुने, ये बात, धन्यवाद मेरी तरफ से। आइए इसको भैया थोड़ा और बढ़ा दीजिएगा। औका भैया आप बिल्कुल कंजूसी ना करें,
बहुत बढ़िया चक्र सुना भी आपने। सुंदर गीत और कटपीस बढ़िया, और कटपीस तो वाकई में बहुत सुंदर मजा आया आप लोगों को। भाई वाह, बहुत मजा आया। लंदन से लेके यूक्रेन तक बहुत बढ़िया बढ़िया, जवाब भी बहुत सुंदर दिए हैं। हमने कहा था बहन जी आपसे, कमंडल में लड़की नहीं है, गंगा जल है, जल में परिवर्तित है। लड़की नहीं थी उसमें, जल था। ऋषि जहू ने जो पिया वो भी जल था। सागर में जो समाहित हो गई गंगा माता वो भी जल था। कैसे तो आपने भी कहा कि जब वो बक्से में लेकर के गया तो वो रतन थे, बिल्कुल रतन थे। और लेकिन जब उसको खेल खोला तब क्या था? तब रतन नहीं थे, यही तो विशेषता है, तब लड़की थी। अवका समझिए, जब उस बक्से को खोला तो उसमें क्या था? मैं बात वही कर रहा हूँ कि बक्से में लड़की है। हमने जो कह दिया सो कह दिया, अवका वही लड़की। ऐसे तो आप भी कह रहे थे बहन जी, आपका दिल जानता है और मेरा दिल जानता है, और ये सुनने वाले भी जानते हैं। अवका ये सुनने वाले भी जानते हैं, बाकी लोग सब जानेंगे। अवका गीत दिया मैंने तो कहा ऐसा लग रहा है जैसे आप सोहर गा रहे हो। अपने मतलब की बात, ये व्यंग अच्छा नहीं लगा। ये व्यंग अच्छा नहीं लगा, कई करोड़ रुपया खर्च हुए ये गाना फिल्मी दुनिया को रिकॉर्ड करने में। और मालूम है ये सोहर कब गाया जाता है? सोहर का भी एक महत्व है। अवका सोहर का भी एक सोहर था नहीं, सोहर था नहीं, इसको कहा गया है फिल्मी दुनिया के लोगों ने कहा गया है कि ये कजरी गीत है, सोहर नहीं है। कम से कम इतना अंतर पता होना चाहिए, समझिए। सोहर में भी कितना आनंद आता है और किस मुहूर्त में किस घड़ी में किस उमंग में गाया जाता है, तो आप उसको कह रही लगता है आप सोहर गा रहे हैं। क्या सोहर क्या कजरी, चलिए ठीक है बढ़िया है। गीत दिया था मैंने, और आप क्या गा रही हैं? एक साथ जो बुझा दे पांचो दिया वही मार पाएगा, तभी मार पाएगा पिया। वाह, एक साथ जो सातों ताड़ के वृक्ष काट देगा वही वाली को मार पाएगा। वाह, एक साथ जो सातों साणों को नाथ देगा वही सत्या का पिया बन पाएगा। बढ़िया लाई है, बढ़िया लाई है, तीन लाई। ओहो, तीन के बाद द्रौपदी को भी सिद्ध कर दिया, पांच पिया कैसे मिले। वही वाह, आज पता चल गया हमें। फिर कह रही थी ये गीत ऐसे गा रहे हैं आप, ये ट्रॉफी रखी है। ओहो, बोले इसका भी तो कुछ सोचो। अच्छा, तो बोले वो तो क्लियर है कि जहाँ जाना है वो जाएगी। ये पहले से क्लियर है, हमको भी पता है कि वो कहाँ जाएगी। जहाँ पता है वो कहाँ जाएगी, जहाँ जाना हो जाए, चाहे यहीं रहे। हमको शील्ड की नहीं, बस हमारी ये फील्ड बनी रहे, बस यही बहुत है मेरे लिए। हम फील्ड नहीं, हम फील्ड के चक्कर में रहते हैं। अवका पूरी रात में हमने शील्ड का नाम नहीं लिया, केवल आपने लिया। कर कमल पद कमल मुख कमल नयन कमल और उधर से भी निकला कमल। बोले ये तो घिसा पिटा मामला है, बहुत गाया लोगों ने। अवका रामचरितमानस रामायण भी तो बहुत लोगों ने गाई।
वो भी घेसा पिटा है क्या? औका भागवत भी बहुत लोगों ने गाई है, बताइए। पुराणों को भी बहुत लोगों ने सुना है और वाचन किया है, तो क्या करें? उनका हम गाना बजाना बंद कर दें? हाँ, भगवान का गुणनवाद बंद कर दें? अरे अपने अपने लिखने का तरीका है, हमने अपने हिसाब से लिखा, किसी ने लिखा होगा गाया होगा वो अपने तरीके से। आपको ये मालूम है कि जेपी मंचला कभी किसी की नकल नहीं करता। जो माता भगवती सरस्वती और भगवान गणेश देते हैं वो स्वयं मैं अपनी कलम से रचना करता हूं, मैं कभी किसी की नकल नहीं करता। उस गाने को बहुत हल्के में ले लिया आपने, जवाब जो आया वो सब जनता के हृदय तक पहुंच गया है। हाँ, वो गाना इतना हल्का नहीं था जितना आपने उसको मान लिया है। हाँ हाँ, अभी उस गाने में और दो चार दिन लगेंगे जवाब लिखने में। नहीं बेटा ऐसा मत कहो, उधर से मेरा छोटा भाई लिख रहा है। हाँ हाँ, इसीलिए तो दो चार दिन का है, बाकी दो चार महीने कहते वरना। चलिए आइए, समय का ध्यान देना है, बातें चीते है करनी पड़ेगी, बताना ही पड़ेगा। कट पी साहब दे गई है किलो डिया। हमने एक शब्द बोल दिया था, जट को झट बोल दिया था। हाँ हाँ, पूरा मंडल कर्फ्यू लगाए था। और आप कहा कह रही हैं, पहले तो कह दिया लौड़िया, फिर कह दिया नचनिया। हाँ हाँ, टाइम कम था वरना दो चार शब्द और लेटेस्ट निकल के आते। ये जवाबी दादा हमारे गौरी शंकर वर्मा जी कह रहे हैं, ये जवाबी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच है। और उनका कहना है कि यही का मामला होना चाहिए था, लेकिन आप तो यूक्रेन से लेकर के आई हैं। क्या चिंता ना करो दादा, अब चूंकि जवाबी है तो हमको भी यूक्रेन जाना ही पड़ेगा। जैसे देवी उसे चढ़ावा, कभी जाना ही पड़ेगा, जाएंगे। औका अरे लोडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बढ़िया लाए हैं आप। यही धुन बाकी बची थी, वो भी आ गई कीर्तन में। वो ऋषि कह रहे हैं, नहरिया हम जो पाएंगे जीवन बिताएंगे। तो महीना जनी हो। बढ़िया बात लाई है, बढ़िया। मेहरिया अच्छा शब्द है, मेहरिया बढ़िया सम्मानजनक शब्द है मेहरिया। हाँ हाँ, गाने बढ़िया है। लेकिन अब चूंकि मेहरिया आया है तो मुझे भी लाना ही पड़ेगा।
लाना ही पड़ेगा। अब उधर से सात हैं सप्तऋषि, इधर से सिर्फ एक ही ऋषि है, एक ही ऋषि है और उस ऋषि का नाम है देव ऋषि। देव ऋषि, उस ऋषि का नाम है देव ऋषि। और देव ऋषि किसको कहते हैं? नारद जी को। देखिए बात ऋषि की ऋषि से हो रही है, उधर सात कह रहे हैं लेकिन इधर एक कह रहा है। अब सुनिए सुनिए, प्रभु से बोले ज्ञानी ध्यानी, लंदन जा रहे हो क्या? प्रभु से बोले ज्ञानी ध्यानी, सूरत दीजिए सारंग पानी। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए नारद जी। प्रभु से बोले ज्ञानी ध्यानी सूरत दीजिए, अरे प्रभु से बोले ज्ञानी ध्यानी सूरत दीजिए सारंग पानी, मिट जाए मेरी हैरानी नाथ। क्या बात है, अब देखो बात निहरिये की होगी, मेरी है देंगे जैसा का तैसा। प्रभु से बोले ज्ञानी ध्यानी सूरत दीजिए सारंग पानी, मिट जाए मेरी हैरानी ना। सूरत प्रभु की बड़ी सुहानी, अरे सूरत प्रभु की बड़ी सयानी, अरे सूरत प्रभु की बड़ी सुहानी, दे दीजिए ही यही निशानी, और मैंने अपने मन में ठानी ना। मैंने अपने मन में ठान लिया है, नारद जी बोले। बोले कहाँ चाहिए? बोले आपकी सूरत चाहिए, हे हरी शकल चाहिए। बोले हरी की शकल चाहिए? बोले हाँ। अब हरी माने बंदर भी होता है, तो भगवान ने उनको बंदर की शकल दे दी थी। लेकिन बोले ये मेरी शकल यानी हरी की शकल क्यों लेना चाहते हो, किस लिए प्राप्त करना चाहते हो? तो नारद जी बोले निहरिया विश्व मोहिनी, अरे निहारी आप ब्याह के लाएंगे, निहारिया बिहारिया, अरे बिहारिया ब्याह के लाएंगे, मजे से मजे उड़ाएंगे। निहारिया निहारिया ब्याह के लाएंगे, हरी के गुण हम गाएंगे। निहारिया ब्याह के लाएंगे, हरी के गुण हम गाएंगे। निहारिया ब्याह के लाएंगे, हरी के गुण हम गाएंगे। वाह, जय हो जय हो। सुरीला जी बड़े खुश हो रहे हैं, जवाब पर प्रसन्न होकर के। परम आदरणीय दादा बाबूनाथ जी, आपके घर कबलों से 51 रुपया मिल रहे हैं। निहारिया, क्योंकि अगर हरी भगवान की सूरत मिल जाएगी तो भगवान से सुंदर कौन है, और ये विश्व मोहिनी हम ही को वरमाला डाल देगी, और जब डाल देगी तो हमारी शादी हो जाएगी, और जब शादी हो जाएगी तो निहारिया, अरे निहारिया ब्याह के लाएंगे, हरी के गुण हम गाएंगे। निहारिया ब्याह के लाएंगे, हरी के गुण हम गाएंगे। निहारिया ब्याह के लाएंगे, हरी के गुण हम गाएंगे। अब सुनिए, अब चलते हैं यूक्रेन। बहुत अच्छी लाइन आपने दी है हिंदुस्तान के लिए, बहुत बढ़िया लाइन दी है, बढ़िया। लेकिन आपको मालूम है, आप सभी ने टीवी में देखा होगा कि पाकिस्तानी छात्र कह रहे हैं कि आज हमारा दोष ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तानी हैं। एक छात्रा ने अपने टीवी इंटरव्यू में ये बताया कि हमारा दोष ये है कि हम पाकिस्तानी हैं,
और पाकिस्तानी होने के कारण आज हमारे प्राणों की बाजी लगी हुई है, प्राण जा रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। जब सुध नहीं ले रहे हैं, इधर से हिंदुस्तान से पैगाम पहुंचा कि जिसके हाथ में तिरंगा होगा उसका बाल बांका नहीं होगा, टोटल सेफ, उसका बाल बांका नहीं होगा। तो सुनिए हुआ क्या, क्या कैसा ये, अरे कैसा विकट विलक्षण क्षण है, अरे कैसा विकट विलक्षण क्षण है, अरे यूक्रेन और रूस का रण है, और रण में बुरा रण में और रक्त में डूबा ये कड़कड़ है आज। तो बोले बच्चे पाकिस्तानी हमको अपनी जान बचानी, अरे बोले बच्चे पाकिस्तानी हमको अपनी जान बचानी, कीमत कुछ भी पड़े चुकानी आज। अरे बोले बच्चे पाकिस्तानी हमको अपनी जान बचानी, चाहे कीमत पड़े चुकानी आज। जय बंदे मातरम गाएंगे दादा, दादा जवाबी करते हो, तुमसे पूछ रहा हूं जो हाथ हला रहा है, तुम करते हो जवाबी, जवाबी जानते हो क्या होती है? नहीं जानते वो। शांत रहो, सुनो केवल। कहा कि बंदे मातरम गाएंगे, और अपनी जान बचाने के लिए ये तिरंगा की हिम्मत, ये तिरंगा की ताकत, ये मोदी की ताकत, ये मोदी की ताकत है कि केवल हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पाकिस्तान के, श्रीलंका के और नेपाल के लोग भी तिरंगा लेकर के आ रहे हैं। ये हिंदुस्तान की ताकत है, यह बड़ी बात, ये तिरंगे की ताकत है। जान बचा करके निकले यूक्रेन से। तो मेरी लहर कह रही है कि बंदे मातरम गाएंगे, तिरंगा हाथ उठाएंगे, बंदे मातरम गाएंगे, तिरंगा हाथ उठाएंगे, बंदे मातरम गाएंगे, तिरंगा हाथ उठाएंगे, कि बंदे मातरम गाएंगे, तिरंगा हाथ उठाएंगे, बंदे मातरम गाएंगे, तिरंगा हाथ उठाएंगे, बंदे मातरम गाएंगे, तिरंगा हाथ उठाएंगे। एक बात और अच्छी आपने कही है, बाबा बुलडोजर चलाएंगे, बाबा बुलडोजर चलाएंगे। वाकई में, वाकई में इतनी बड़ी जीत, और पुनः हमारे उत्तर प्रदेश में भगवा लहरा गया, बहुत सुंदर, अच्छा प्रयास। लेकिन एक बात और है, एक बात और दे रहा हूं, ओ अगर आपने योगी जी का लिया है तो चलिए हम आपको लिए चल रहे हैं पंजाब, पंजाब लिए चल रहे हैं। उधर आपने कहा बुलडोजर चलाएंगे, तो इधर केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, अपने आप की सुनिए। पंजाब को हम चमकाएंगे, चमकाएंगे, अब अपनी झाड़ू लगाएंगे, सफाई कर देंगे। आज तक जितना जो कुछ हुआ है उसकी पूरी सफाई कर देंगे, एक साफ स्वच्छ और सुंदर सरकार देंगे। पंजाब को हम चमकाएंगे, अब अपनी झाड़ू लगाएंगे, पंजाब को हम चमकाएंगे, पंजाब को हम चमकाएंगे, पंजाब को हम चमकाएंगे।
मेरा प्रयास।